आज फाल्गुन कृष्ण एकादशी बुधवार 6 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरी दे ख्याल बीच यह क्या कीता कीता। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से श्री जी को मुकुट काछनी के श्रृंगार धराए जाने प्रारंभ हो रहे हैं। आज के इस श्रृंगार की कुछ विशेषताएं हैं, आइए साझा करते हैं। प्रभु श्री जी को मुकुट का यह श्रृंगार 3 लीलाओं शरद रास, दान और गोचारण के भाव से धराया जाता है। यह श्रृंगार देव प्रबोधिनी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक नहीं धराया जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी में मुकुट का श्रृंगार नहीं धराया जाता है। और जब भी मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है वस्त्रों में काछनी धराई जाती है, और जब मुकुट धराया जाए तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं, और जिस दिन मुकुट धराया जाए उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनिया रोगाई जाती है। कह सकते हैं कि यह श्री जी को धराए जाने वाले मुकुट काछनी के श्रृंगार का प्रोटोकॉल है। वैसे आज धराए जाने वाले श्रृंगार की एक विशेषता और है कि श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र आज द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठ्ठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं, और वस्त्रों के साथ श्री जी के भोग हेतु सामग्री की एक छाप भी वहां से आती है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग वो भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में 40 दिवसीय होली उत्सव की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज मुकुट काछनी के श्रृंगार धराए गए हैं। यह आज की तिथि के नियत श्रृंगार हैं, जिसके लिए प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। आलीरि भरत मोहन जित तीत मोह गोहन लाग्यो डो आलीरि भरत। प्रभु श्री गोवर्धन धरण की
श्री चरणों में विनम्र भाव से दंडवत करते हुए आइए दर्शन करें। दंडवत कर सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों के ही दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के पार्श्वभाग में श्रृंगार दर्शनों में जल रंग की एवं राजभोग में श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है जिस पर गुलाल से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं तो गुलाल एवं अबीर से भारी खेल भी किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफेद बिछावट की गई है। रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की त्रष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को पीली बसंत अर्थात चंपई रंग के रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए वस्त्र धराए गए हैं। इनमें प्रभु को आज सूथन और कांचनी धराए गए हैं। चोली प्रभु को आज श्याम रंग की चौवा की धराई गई है तो चंपई रंग का ही प्रभु को आज रासपट का धराया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के जामदानी के धराए गए हैं। चोली को छोड़कर अन्य सभी वस्त्रों पर चंदन गुलाल अबीर चौवा से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फागुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार बाजूबंद पौची हस्तसाखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण जड़ाऊ मीना के फागुन के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मीना की मुकुट टोपी धराई गई है जिसके ऊपर मीना का ही सुंदर मुकुट धराया हुआ है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही हैं। मुकुट के साथ धराई जाने वाली शिखा जी अर्थात चोटी जी आज फागुन के मीना की धराई गई है। श्री कर्ण में प्रभु को आज जड़ाऊ मीना के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत गुलाबी पीले और लाल पुष्पों के रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। आज विशेष रूप से दो माला जी अक्का जी वाली भी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी एवं कटी पर दो वेत्र जी धराए हैं। श्री कर्ण श्री मस्तक श्री हस्त एवं चोटी जी पर सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी
आज चांदी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में चौक परी गोरी होरी में राजभोग में अष्टपदी और माधो चाचर खेल ही श्री मुख मंडे तब अब मुख मांडोरी गह पाए हो सोहन आरती में हो कैसे पन घट जाऊं री शयन में होरी दे ख्याल विच यह क्या किता पोढ़ुवे में चले हो भावते रस एन कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के चरणारविंद वस्त्र से ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु श्री जी अपने ब्रज भक्तों के साथ सख्य भाव से फागुन आनंद से खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला राजभोग उत्थापन भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है और संध्या आरती दर्शन के पश्चात श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं। दोनों काचनी एवं मुकुट टोपी भी बड़े कर लिए जाते हैं। चौवा का ही घेरदार वागा धराया जाता है और गोलपाग धराई जाती है। लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। भोग की सायंकालीन सेवा में प्रभु को अब खेल के साज थाल में सजाकर अरोगाए जाते हैं जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि आज राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी की दाढ़ी रंगी जाती है तो धमार की भावना से वैष्णव पर पोटली से गुलाल एवं अबीर उड़ाए जाते हैं। ब्रजवासी बालक रसिया गान तो करते ही हैं। ब्रज राय जय लड़े तो गाइए ब्रज राज लड़े तो मन मो भी जा
राज राज लाए
बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।